फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड। मेरा नाम है विकास राव। मैं रांची में पढ़ाई करने आया हूँ और मैं अभी अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ। तो आपने सुना कि फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड, तो मैंने क्यों बोला फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड? क्योंकि मेरे साथ आज सुबह 7:45 यानी कि 8:15 मेरे साथ धोखा हो रहा था, यानी कि फ्रॉड होने वाला था। तो मेरा वीडियो बनाने का भी मकसद यही है कि मेरे साथ जो फ्रॉड हो रहा था वो उससे कुछ लोगों को सीख मिले, और इस तरह का कोई भी करता है तो सावधान हो जाए, सतर्क बनाए कि क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा। तो अपना सावधानी बरते और मतलब उससे निकलने का कोशिश करें जो भी फ्रॉड हो रहा है। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है, इसका मेन मकसद यही है। और एक चीज़ मकसद है कि जिन जिनका कर्मचारी वो लोग थे या नहीं थे पता नहीं मेरे को, तो वो लोग ऐसा कर्मचारी क्यों रखते हैं, मतलब अपने काम पे ऐसे कर्मचारी क्यों रखते हैं, उनके लिए मैं बना रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा कि किनके कर्मचारी वो लोग थे या नहीं थे मेरे को पता नहीं, लेकिन उनके गाड़ी में जो लिखा हुआ था मैं वही बोलूँगा, और जो इसके साथ था वही मैं बोलूँगा। क्योंकि गाड़ी में जो लिखा हुआ था मैंने देखा था, मैंने भले नंबर नहीं देख पाया था लेकिन गाड़ी में मैं देखा था कि क्या लिखा हुआ था, तभी मैं रोका, नहीं तो नहीं रोकता मैं। लेकिन गाड़ी नंबर नहीं देख पाया था, बस यही मेरी गलती थी जिसके वजह से मैं इन लोगों को मैं आज अभी तक मैं अंदर करवा रहा था, नहीं तो इसके साथ कोई ना कोई मैं एक्शन लिया रहता। लेकिन भी मेरे को लेने का था, लेकिन मुझे यही मांगा जाता कि आप क्या गाड़ी नंबर देखें, वो कोई भी गाड़ी हो सकता है ऐसा बोलते। लेकिन मैं भी अभी भी प्रयास करूँगा तो हो सकता है, लेकिन लेकिन मुझे उतना करने के लिए मेरे पास वो नहीं है। आजकल आप लोग समझते होंगे क्या चाहिए। तो मैं यही वीडियो के जरिए आप लोग को समझाना चाहता हूँ कि आप लोग के साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा तो आप लोग सतर्क हो जाइए कि आपको आप लोग के साथ क्या होने वाला है। तो ये बात है हमारे रांची शहर जो कि झारखंड की राजधानी है, वहाँ की बात है। हमारे रांची शहर झारखंड की राजधानी, यहाँ की बात है। और यहाँ की जो ऐसे कर्मचारी लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे थे आप सोच नहीं सकते, वो अपने आप को ऐसे कर्मचारी बता रहे थे और वैसे ही गाड़ी से भी उतरे वो लोग, मैं भी देखा। और वो लोग ऐसा करेंगे सोच नहीं सकते हैं, अगर वही लोग ऐसा करेंगे तो फिर रांची के लोग रहेंगे कैसे? मैं बताऊंगा वीडियो में कि कौन लोग थे वो लोग, तो वीडियो पूरा देखिएगा, आधा मत देखिएगा। और हो सके तो वीडियो जिसके कर्मचारी के लोग थे उन लोगों के पास पहुंच जाए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि वो अपना मतलब इस तरह के लोग अपने कर्मचारी नहीं रखें। मैं यही सजेस्ट भी करना चाहूँगा उन लोगों को कि वो लोग इस तरह के लोगों को अपने कामों पे नहीं रखे, वही भलाई है हमारे रांची शहर के लिए, हमारे राजधानी के लिए। मेरा घर यहाँ नहीं है, मैं यहाँ पढ़ाई करने आया हूँ, अगर मेरे साथ ऐसा होता ही है तो मेरा क्या बीतेगी, कौन आना चाहेगा यहाँ? अगर यहीं के लोग, यहीं के मतलब क्या बोलते हैं कर्मचारी लोग, मैं बताऊंगा कौन किसके कर्मचारी थे वो लोग, वो लोग ऐसा करेंगे तो फिर कैसे होगा? और उन जो जिनके कर्मचारी थे उनको पता चलेगा तो क्या बीतेगा कि मेरे कर्मचारी क्या करते हैं, क्या बीतेगा वो लोग को? चलिए तो वही जानते हैं कि कौन किसके थे, कौन लोग थे वो लोग, क्या कर रहे थे या नहीं थे मुझे को पता नहीं, लेकिन मैंने जो देखा आंखों के सामने और वो लोग जो बोल रहे थे आंखों के सामने मैं वही बताऊंगा, वही बोलूंगा। अगर किसी को आपत्तिजनक हो वीडियो से तो कृपया करके मेरे को कमेंट कीजिए, मेरे से कांटेक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में, कमेंट कीजिए। आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो यूट्यूब में कमेंट कीजिए, अगर आप फेसबुक व्हाट्सएप और ये क्या बोलते हैं ये इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, जहाँ भी आप लोग देख रहे हैं वहाँ पर से आप लोग कमेंट कीजिए। यूट्यूब में देखिएगा तो यूट्यूब से मतलब आप जहाँ भी देख रहे हैं वहाँ से कमेंट कर सकते हैं और मेरे को संपर्क कर सकते हैं कि ये गलत बात है। अगर गलत बात होता तो मैं इतना नहीं करता,
ये रियल बात है और मैं देखा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ। और मेरे मेरे से जहाँ से मतलब कॉल आया था वो भी मैं बताऊँगा। चलिए डिटेल में आप जानते हैं क्या हुआ था मेरे साथ। आज है, आज के दिन, आज है क्या, आज का डेट क्या है? आज का डेट है 27/11/2020। 27/11/2020 दिन है शुक्रवार। और ये जो मेरे साथ कांड हुआ, जो मेरे साथ कांड होने वाला था, जो मेरे साथ फ्रॉड होने वाला था, धोखा होने वाला था, वो होने वाला था 7:45 यानी सुबह के में, लगभग 7:45 सुबह में होने वाला था। और ये डिटेल मैं कहाँ से निकाला, मेरे को पता नहीं था, मुझे लगा 7:30 लगभग हुआ है। लेकिन मैं जब अपना मोबाइल में सही से देखा तब मुझे पता चला कि मेरे मेरे को एक नंबर दिया था वो लोग कॉल करने के लिए, बहाना बना रहा था तो कॉल करने के लिए दिया था। उसी से मैं देखा तो 7:49 मतलब दिखा रहा है, 48:49 दिखा रहा है। दो बार कॉल करवाया था वो लोग वही नंबर पे, तो नंबर पे लगा नहीं लेकिन सोच पाया था। तो चलिए क्या हुआ था जानते हैं डिटेल में। तो डिटेल में ये हुआ था कि मैं जा रहा था सुबह का ट्यूशन, मैं पढ़ाई किया, अभी ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ है फिलहाल। मैं फिर उसके साथ में मैं कंप्यूटर क्लास कर रहा हूँ, मतलब अपना डिग्री, मतलब कंप्यूटर का डिग्री ले रहा हूँ, मतलब डिग्री नहीं कह सकते, एक सर्टिफिकेट के लिए मैं अपना ये कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, कोचिंग कर रहा हूँ। तो मैं उसी के लिए क्लास में जा रहा था। वही आप लोग को टाइमिंग बता दिया मैं, 7:45 के लगभग था। और ये लोकेशन झारखंड के राजधानी रांची की है। मैं और एक बार बोल रहा हूँ कि झारखंड की राजधानी रांची की है। और ये झारखंड के राजधानी रांची में ये किस किस जगह फ्रॉड हो रहा था मेरे साथ, ये भी आप लोग जान लीजिए। जो आप लोग देखे होंगे फ्लैग स्टाफ हाउस, फ्लैग स्टाफ हाउस जो कि पड़ता है आपको गोंदा थाना और रातू रोड के बीच में पड़ता है, तो जस्ट फ्लैग स्टाफ हाउस के गेट के जस्ट अपोजिट साइड के रोड में मतलब मेरे साथ फ्रॉड हो रहा था। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, मुझे मतलब वो लोग, मैं जा रहा था इधर से, एक चौक पड़ता है उससे पहले, तो मैं जा रहा था इधर से मतलब रातू रोड की तरफ जा रहा था, मुझे जाना था किशोरगंज, तो रातू रोड की तरफ जा रहा था मैं। तभी मेरे से पीछे से एक टेम्पो आया, टेम्पो आगे बढ़ा, रुका, फिर मैं टेम्पो के पास पहुंचा, मतलब साइकिल से मैं जा रहा था तो पहुंचा, तो लड़का उतर कर कुछ आगे गया, वहाँ पे वो लड़का सिगरेट पी रहा था, बोला रुक भाई, मैंने रुक गया, रुका तो फिर वो बोलने लगा ठीक है साइड में हो, साइड में आया तो मेरे से बोला 50 रुपया निकाल। तो मैंने बोला किस चीज़ का 50 रुपया निकालूँ मैं, मेरा क्या गलती है जब मैं 50 रुपया निकालूँ? तो वो बोलने लगे कि 50 रुपया मतलब दे रहे हो कि नहीं, मेरे से पूरा धमकी में बात करने लगा। फिर 50 रुपया नहीं है, मैं बोला कि मेरे पास 50 रुपया नहीं है, मैं जा रहा हूँ ट्यूशन, मेरे पास पैसा वैसा नहीं है। फिर मैं भी ये भी बोला कि मेरे पास गरीब वरीब देख रहे हैं आप लोग, साइकिल में मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये वो लोग नहीं माने, ज़बरदस्ती मतलब करने लगा। दो के उतरा, मतलब गाड़ी में दो कोई था और दोनों के उतरा। और मैं गाड़ी कौन चीज़ का था ये भी बता रहे हैं, किसका था गाड़ी? गाड़ी था रांची नगर निगम का, गाड़ी था रांची नगर निगम का, जिसमें लदा हुआ था सैनिटाइजर मशीन, यानी सैनिटाइजरिंग सैनिटाइजर किया जाता है वो मशीन लदा हुआ था पीछे साइड। मैं उसको क्रॉस करके गया था इसीलिए मैं देखा था। और वहाँ ऊपर में मतलब गाड़ी में भी लिखा हुआ था रांची नगर निगम, नगर निगम लिखा हुआ था, नगर निगम। तो मैं वही देखा और वो लोग मेरे से ज़बरदस्ती 50 रुपये मांगने लगे, तो मैं नहीं दिया, मैं बोला नहीं है भाई देखो ना, नहीं है मेरे पास तो कहाँ से दूंगा, मैं तो एक ट्यूशन जाने वाला इंसान हूँ, थोड़ी ना मैं काम करने या फिर क्या ही जा रहा हूँ, मैं तो ट्यूशन जा रहा हूँ, आप लोग ट्यूशन मेरा लेट हो रहा है। फिर बोला कि नहीं 50 रुपया नहीं है ना, कॉल करो। तो कहाँ कॉल करे अंदाजी, कहाँ कहाँ कॉल करे बताइए। तो वो लोग बोलने लगे नगर निगम, बताइए नगर निगम, नगर निगम। वो लोग नगर निगम के थे या नहीं थे वो मुझे पता नहीं, लेकिन नगर निगम, नगर निगम, रांची नगर निगम, मतलब नगर निगम, नगर निगम के बाद बार बार आ रही थी। मैं नगर निगम वालों से कहना चाहूँगा कि ऐसे लड़का को मत रखिए काम में, जो लोग ऐसा करते हैं आप लोग क्यों रखते हैं ऐसे लड़कों को, एकदम बिल्कुल मत रखिए, मेरे मेरे साइड से ये कहना, कोई कहे या ना कहे मतलब नहीं, मेरे साइड से कहना यही है कि नगर निगम में ऐसी लड़कों को ना रखे और ना ही लड़कों को दे। इस तरह का लड़का लोग नगर निगम का गाड़ी लेके नगर निगम के नाम पे धोखा कर रहे हैं, मेरे साथ आज धोखा होने वाली थी, हो नहीं पाई, कर नहीं पाए लोग।
क्योंकि मैं सतर्कता अपना मुझे बहुत से डराने का भी कोशिश किया। चलिए आगे बताते हैं क्या हुआ था। फिर क्या किया कि पैसा नहीं दिए, कॉल लगाने के लिए बोला, बोले मैं मतलब किसके पास कॉल लगाना है, तो बोला नगर निगम के पास लगाना है। नगर निगम में कॉल ठीक है, बोला फिर नगर निगम तुम ही कॉल करके दो। तो मैंने बोला, पूछा कि आपके पास मोबाइल नहीं है क्या, आपके पास तो मोबाइल होना चाहिए, आप अपना कॉल कीजिए, मेरे को क्यों रोके हैं, मैं तो जा रहा हूँ ट्यूशन, मेरे को क्यों रोके हैं आप लोग, अपना मोबाइल से कीजिए। तो क्या किया पता है, मैं बता रहा हूँ आपको क्या किया। नगर निगम वाले में ऐसे भी लोग रहते हैं जो लोग फ्रॉड के साथ गुंडागर्दी भी करते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। तो उसने क्या किया कि उसमें उसने एक फाइटर, आप लोग जानते हैं, मैंने बोला मोबाइल नहीं मतलब कॉल करने के लिए, मतलब अपना मोबाइल निकाल कर कॉल कीजिए, लेकिन वो क्या निकाला पता है आप लोग को, फाइटर, फाइटर जो अंगोले में घुसा के मतलब ये फाइट करते हैं, वो निकाला। और मुझे क्या कर, मार दूंगा कहने लगा, मार दूंगा सही से, मतलब दे रहे हो या मजाक कर रहे हो, दे रहे हो या सही, तुम लोग को बोलते हैं साफ साफ समझ में नहीं आता है, सही से बोलते हैं समझ में नहीं आता, दे रहे हो कि क्या कर रहे हो, कॉल करके लगा रहे हो क्या कर रहे हो, मुझे धमकाने लगा, गाली देने लगा। फिर मैंने बोला कि ठीक है भैया, आप लोगों को कॉल ही करना है तो मैं, लेकिन बात मैं करूँगा, मैं जान रहा हूँ जब मेरे को फाइटर दिखाने लगे, नगर निगम के आदमी लोग फाइटर दिखाने लगे हर कोई को, तो क्या रहेगा रांची में, क्या रह जाएगा आप ही बताइए, जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग बताइए कि रांची में क्या रह जाएगा, अगर ये नगर निगम वाले लोग फाइटर निकाल के दिखाने लगे आम जनता को, तो क्या रह जाएगा, ये रांची नगर निगम की नियम है क्या, थे या नहीं थे मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं 100% देखा हूँ नगर निगम की गाड़ी थी, टेम्पू थी, ब्लू कलर की थी। और आप लोग को टाइमिंग मैं बता दिया हूँ, अगर आप लोग देख रहे हैं वीडियो तो आप लोग चेक कर सकते हैं, आप लोग ट्रैफिक है, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं तो वहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि इस टाइम पे गाड़ी कौन सी टेम्पो गाड़ी पार हुई थी जिसमें लदा हुआ था क्या सैनिटाइजिंग मशीन, और वो जा रही थी रातू रोड के साइड, किधर से जा रही थी, कांके रोड में थी वो, और कांके रोड में जा रही थी क्या रातू रोड के साइड, ठीक ना, आप लोग देख सकते हैं। और मैं बता दिया है हूँ कि क्या बोलते हैं गोंदा थाना और रातू रोड के बीच में हुआ था, तो आप लोग देख सकते हैं टाइमिंग में भी मैं बता दिया हूँ, लगभग मैं उतना में आप लोग चेक कर सकते हैं, जो भी रांची मतलब स्मार्ट सिटी के कंट्रोलर हैं वो लोग अगर देख रहे हैं तो वो लोग भी अपना मतलब ये कर सकते हैं कि कौन था वो, पकड़ सकते हैं आप लोग, क्योंकि मेरे को फट से मांगा किया जा रहा है कि मतलब मांगा किया जाएगा कि ये गाड़ी नंबर, तो मैं गाड़ी नंबर देखने नहीं पाया, मुझे उलझा कर रखने का कोशिश किया। फिर उससे उसके बाद क्या हुआ, वो लोग मोबाइल मेरे मोबाइल के नज़र में आ गया, बोलने लगा, एक लड़का साथ में था, उसी के साथ में था, दोनों के आया था मेरे पास, मेरे को उलझा रहा था। तो फिर उस लड़का को क्या बोलने लगा, जो फाइटर निकाला था वो बोलने लगा तुम गाड़ी स्टार्ट करो, गाड़ी स्टार्ट किया वो लड़का, तो बार बार बोल रहा है फ़ोन लगाते हो नहीं, हाँ मैंने बोला कि उसको पहले वो भैया को दो, आप लोग दोनों आइए मेरे पास तभी मैं कॉल करूँगा, हम लोग के साथ देखिए भैया हम लोग के साथ फ्रॉड होता है, हम लोग का मोबाइल ले लिया जाता है लेकिन आप लोग भाग जाइएगा, मुझे पता है ऐसे ही फ्रॉड होता है, तो आप लोग वैसे ही कर रहे हैं, इसीलिए मैं मुझे विश्वास नहीं है, आप लोग आइए दोनों, लेकिन दोनों नहीं आया, क्यों नहीं आया, जब उन लोग को उतना ज़रूरत है तो दोनों नहीं आ सकता क्या, नगर निगम में कॉल करना था, मैं नहीं कर सकता था क्या, मेरे को खुद नगर निगम से कॉल आया, फिर मैं बता रहा हूँ आगे क्या हुआ था। फिर उतना होने के बाद वो लोग मुरे, वो लड़का जो फाइटर पकड़ा था वो धमकाने लगा, और दूसरा आदमी गाड़ी में बैठ के अपना गाड़ी स्टार्ट किया हुआ था, फिर धमकाने लगा, फिर बोलने लगा कि मोबाइल में, फिर नंबर दिया, अच्छा बताइए, अब मैंने कॉल कर दिया, फिर अच्छा बताइए नंबर बताइए, मैंने कॉल किया, एक बार किया नहीं लगा, दूसरा बार किया स्विच ऑफ आया, तो मैंने बोला कि भैया स्विच ऑफ आ रहा है, फिर मेरे मोबाइल पे उसका नज़र चला गया, मोबाइल पे गया, पूछने लगे कितना का मोबाइल, मैंने बोला 60-80 हज़ार का है भैया, ज़्यादा का तो नहीं है, तो फिर बोलने लगा कौन सी कंपनी का है, तो मैं जो मोबाइल से अभी वीडियो बना रहा हूँ वही मोबाइल था, तो मैंने बोला कि रियलमी का है, तो ठीक है रियलमी का है, तो बोलने लगा कि दिखाओ दिखाओ, ज़बरदस्ती मेरा मोबाइल छीनने में लगा, जब दिखाओ कवर खोल के दिखाओ, तो ये मतलब क्या बोले उसको, मतलब लालच सी एक होती है ना लुटेरा, किसी तरह वो लोग बहाना ढूंढ रहा है कि किस तरह इसका मोबाइल मतलब मेरे हाथ में आया, मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं छुपा रहा हूँ बार बार, मतलब बाएँ हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल को दाहिने साइड था, तो मैंने बार बार मतलब ये कर रहा। फिर मेरे से क्या किया बताएं आप लोगों को, मारने के तो धमकी देबे किया, मारने का मतलब ये तो मार दूंगा फेंक दूंगा, मतलब अभी नहीं दोगे तो मारूंगा, मैंने बोला कि क्यों मारिएगा भैया आप, ऐसे ही कर रहा है मेरे साथ, लेकिन मैं बोला कि क्यों मारिएगा भैया आप, मेरा गलती ना कुछ है ही नहीं, तो क्यों मारिएगा, जबरदस्ती मारने जैसे, अगर मैं डरा होता हुआ होता मुझे, और मैं सोचता कि वो मुझे मार देगा तो मैं दे देता मोबाइल, लेकिन मैं डरा नहीं, मैं जान रहा हूँ कि ये मारेगा नहीं मेरे को, अभी अभी सिर्फ डरा रहा है मेरे को, लेकिन
वो मुझे खूब डराने का कोशिश किया, फिर नहीं सका डराने, तो क्या किया पता है, मेरे साथ छीनने लगा, मोबाइल छीनने लगा। लेकिन मैं मोबाइल छीनने नहीं दिया, मैं दोनों हाथ से पकड़ा और मोबाइल छीन ही रहा था कि मैंने चिल्लाने लग गया, और चिल्लाने लग गया और छोड़ दिया मुझे, और मोबाइल को छीना नहीं, छीनने नहीं पाया, और वो अपना दौड़ते गया और अपना गाड़ी में घुस गया। तो सोचिए, गाड़ी में घुस गया और मतलब मेरे को जैसे छोड़ा, मैंने वहाँ से भाग भी किया, क्योंकि वो लोग का गाड़ी स्टार्ट था, अगर मेरे को पीछे साइड से धक्का भी मार देते तो मेरा क्या हालत होता। इसीलिए मैं पलट के देखा नहीं कि फिर कुछ दूर आगे रातू रोड में आया और मैंने कॉल किया थाना पे। तो बताइए, नगर निगम के ही थी, 100% मैं बता बोल सकता हूँ कि गाड़ी नगर निगम की थी, लिखा हुआ था, मेरे को बोला भी हो, क्या बोला था पता है, कि देखो भाई विश्वास नहीं लग रहा है, मैं बोला कि विश्वास नहीं लग रहा है कि मतलब आप लोग ऐसे ही करते हैं, हम लोग के साथ फ्रॉड रहता है, विश्वास नहीं लग रहा है, मैं बोला। तो वो क्या दिखाया मेरे को, देखो नगर निगम की गाड़ी है, देख सकते हो तुम, नगर निगम गाड़ी, हम लोग 10,000 रुपया कमाते हैं, मोबाइल लेके क्या करेंगे, ऐसा बोल। तो उसको छीनने का क्या जरूरत था, मेरे को नंबर दिया, उसमें कॉल नहीं लगी, छीनने का क्या जरूरत है, उसको फाइटर दिखाने का कौन हिम्मत दिया, नगर निगम क्या फाइटर से की काम होती है क्या, आप लोग बताइए, फाइटर से काम होती है नगर निगम में। नगर निगम की मेयर से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो है आशा लकड़ा, अभी फिलहाल आशा लकड़ा जो हमारे क्या बोले चाची के रूप में है, हम मेरे गांव भी आती है, मेरे गांव बहुत दूर है लेकिन भी वहाँ आती है, उनका घर उन वो ही साइड है, मेरे ही गांव साइड आती है, हम लोगों के गांव में हर वर्ष आती है। तो मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप हम लोगों को वहाँ जाके बताते हैं कि ऐसे ऐसे हो रही, बताइए आप ही रांची नगर के निगम के मेयर हैं और आपके आपके आदमी का ही ऐसा हो जाएगा, तो सोचिए क्या होगा। हम लोग को वहाँ जाके मतलब बोलते हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो बताइए आप ही के घर में ऐसा हो जाएगा, आप ही का आदमी का, तो क्या होगा बताइए। अब देख रहे होंगे, नहीं पता, मैं बता दे रहा हूँ, आप मुझसे मतलब पता कीजिएगा कि अब मैं कहाँ का हूँ, मैं आपको इतना डिटेल बता दिया हूँ, आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो मतलब आप आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि ऐसा लोग का आप मत रखिए, आपको मैं जानता हूँ कि आप किस तरह के इंसान हैं, आप मेयर हैं रांची के, आपको मैं जानता हूँ, आपको मैं फ्रंट से सामने से आपका फोटो लिया हूँ, मैं ज़्यादा देर नहीं हो रहा है, 15 दिन के अंदर ही आप, 15 दिन, हाँ 15 दिन कर सकते हैं, 15 दिन के अंदर ही आपका मैं फोटो लिया हूँ आपके सामने से, और आप मुझे पहचान नहीं रहे होंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बताइए आपका आदमी हूँ मैं, आप ही आपका अपना आदमी के साथ ऐसा हो जाए तो कैसा लगेगा, और आप ही के आदमी कह रहे हैं। इसीलिए रांची के नगर निगम के मेयर जी को मैं कहना चाहूँगा कि चाची जी को कहना चाहूँगा कि ऐसा लोग को अपने कर्मचारी मतलब अपने नगर निगम के कार्य में नहीं रखे, जो लोग इस तरह के कार्य करते हैं, बदनामी होती करते हैं वो लोग है, बदनामी होती है नगर निगम की। अब मेरे नज़र में क्या रहा है वो नगर निगम, मैं सोचूंगा नगर निगम में ऐसे ऐसे लोग को रखा जाता है जो लोग फ्रॉड करते हैं, लूटपाट करते हैं, बताइए मेरे साथ लूटपाट नहीं हो रहा था तो क्या हो रहा था, मेरे एक फाइटर दिखाया गया, क्या फाइटर का यूज होता है नगर निगम में, मैं बार बार पूछ रहा हूँ, फाइटर का ये होता है क्या नगर निगम में, बताइए अगर होता है तो बताइए, नहीं होता, अगर आप लोग का आपत्तिजनक लग रहा है ये वीडियो तो मेरे को कॉमेंट करके बताइए, मैं हटा दूंगा सब जगह से, बताइए कमेंट करके बताइए मेरे साथ ऐसा हुआ। और आप लोग को जितना भी वीडियो देख रहे हैं वो लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि इस तरह को कोई भी फ्रॉड करने का प्रयास करता है आप लोग सतर्क हो जाइए, कि देखिए मेरे साथ क्या हुआ, नगर निगम के लोग करने लगे, नगर निगम में जो लोग काम करते हैं वो लोग करने लगे, बताइए तो क्या हो सकता है, रांची नगर निगम के लोग भी ऐसा करेंगे तो फिर मतलब रहेगा क्या, रह जाएगा, आप ही लोग बताइए। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जो कोई भी ऐसा करता है तो थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं उन लोग को नगर मतलब पुलिस में भी कॉल किया, मेरे नगर निगम से भी मतलब ये कॉल आया, पूछता है कि मतलब क्या बोले, मुझे बोला भी गया कि आप जाके कंप्लेन कर दीजिए, तो मेरे पास गाड़ी नंबर नहीं ले पाया मैं, जिसके वजह से मैं नहीं कंप्लेन कर सकता, कंप्लेन मैं कर सकता था लेकिन नहीं किया, क्योंकि मेरे सबसे फर्स्ट चीज़ मांगा जाता है गाड़ी नंबर आप देखें, और मेरे को बोला गया नगर निगम से आया कॉल, मैं कॉल किया था ये डायल मतलब 100 नंबर पे डायल किया था, वहाँ से कॉल आया मेरे को,
रिप्लाई में आया, मतलब कुछ देर के बाद नगर निगम से कॉल आया कि आपका गाड़ी से ऐसा हो रहा था, इसीलिए मैं बताया था। तो वहाँ से कॉल आया नगर निगम से, बोलता है कि आप गाड़ी के नंबर देखें। तो मैं गाड़ी के नंबर नहीं देखा, तो बोल रहा है कि नहीं देखे तो कुछ तो नहीं कर सकते हैं। अब मेरे गाड़ी तो बहुत सारे चलते हैं, तो कौन से गाड़ी थे कह नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मैं सोचा कि कंप्लेन करने से कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन लोगों का बहुत सारा गाड़ी चलता है। लेकिन चलने से क्या होगा, अगर चाहेंगे तो अभी पकड़ सकते हैं, अभी पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो ट्रैफिक से होकर गई थी गाड़ी। उससे मतलब नहीं कि क्या कि ये क्या वो गाड़ी है ये उधर उधर, कुछ नहीं, ट्रैफिक से होके गई थी गाड़ी। तो ट्रैफिक में रांची स्मार्ट सिटी होने का क्या मतलब है? अगर एक फ्रॉड करने वालों को तुरंत नहीं पकड़ा जाए, उन लोग को रिकॉर्ड नहीं किया जाए, तो क्या फायदा है स्मार्ट सिटी होने का? तो चलिए, जो लोग वीडियो देखें तो इस तरह से फ्रॉड होता है, तो बचिए आप फ्रॉड से। और नगर निगम वालों को यही रिक्वेस्ट है कि इस तरह का कर्मचारी को नहीं रखे अपने कामों में, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। जो लोग फाइटर दिखाए, जो लोग आज तो फाइटर दिखा रहे हैं, कल क्या करेंगे कौन सोचा है? मेरे को फाइटर देखा लेकिन मैं डरा नहीं। आज फाइटर दिखा रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, नगर निगम के नाम बदनाम कर रहे हैं, तो सोचिए क्या हो सकता है। अगर आप लोग सतर्कता नहीं बरतिएगा, आप लोग ही उस तरह का लोग को रखिएगा नगर निगम में, तो क्या होगा? तो इसीलिए चलिए मैं वीडियो कहीं पे एंड करता हूँ। जो लोग देख रहे हैं उन लोग के लिए भी सजेस्ट करूँगा कि इस तरह का फ्रॉड होता है आप लोग के साथ, तो कृपया करके मतलब भी सतर्क हो जाइए कि आपके साथ क्या होने वाला है। आप डरिए मत, उन लोग के साथ हिम्मत से काम लीजिए और अपना फ्रॉड होने से बचिए। बस मैं यही कहूँगा और वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। और बाकी मैं बोला वो तो आप लोग समझ गए। और जो लोग जिसको भी आपत्तिजनक मतलब लगा रहा होगा, वो लोग कृपया करके मतलब ये कर दें, कमेंट कर दे, बता दे कि क्या कहना नहीं चाहिए और क्या हो गया। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को भी भलाई हो, लोगों भी जाने कि किस तरह का रांची राजधानी में हो रहा है और कौन कर रहे हैं लोग, कौन लोग हैं, किसके कर्मचारी हैं, ये लोग भी जाने। इसीलिए ज़रा इस वीडियो को थोड़ा फैलाने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं वीडियो कहीं पे एंड करता हूँ, और सतर्क हो जाइए अब, रांची की सतर्क।